ब्रेकिंग न्यूज देखिए, ये बड़ी खबर गुरुग्राम से निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने का मामला। बड़ी खबर गुरुग्राम से निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने का मामला, जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई। तस्वीरें देख लीजिए कैसे ये बह गया फ्लाईओवर, निर्माणाधीन था अभी तो बना ही नहीं था। एनएचएआई के मैनेजर को किया गया सस्पेंड, ये सस्पेंशन बनता भी है। एनएचएआई ने कमेटी का गठन किया, हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन। पुलिस मौका वारदात पर मौजूद, खंगाला जा रहा है कहां क्या कमी रह गई, क्या घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी। हालांकि रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है निर्माण कार्य पर। जब तक रिपोर्ट नहीं आती आगे निर्माण कार्य नहीं होगा। निर्माणाधीन किस तरह से निर्माणाधीन पुल ढह गया, भर भरा कर गिर गया, तस्वीरें बयां कर रही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन, एनएचएआई के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। एनएचएआई ने कमेटी का गठन भी किया है मैनेजर को सस्पेंड करने के साथ ही। तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरों के साथ बड़ी खबर, हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। क्या वजह रही, क्यों यह हादसा हुआ, रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य पर रोक। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब ये पुल ढह रहा था, गिर रहा था, तो कहीं उसके नीचे कोई दब तो नहीं गया, किसी को चोटे या कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचा। जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रशासन की कार्रवाई, एनएचएआई के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। सख्त एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों को लेकर, ये लोगों के जान माल का सवाल है। एनएचएआई ने कमेटी का गठन कर दिया है, हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि इस हादसे की तह तक पहुंचा जा सके। यह हादसा क्यों हुआ, क्यों कर हुआ, क्या रोका जा सकता था, क्या टाला जा सकता था, क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ झाला है, क्या घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को बनाने के लिए। जो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ, जिसकी एक अपनी उम्र और बहुत ही स्वस्थ एक हेल्दी उम्र होनी चाहिए थी, वो अपने प्रारंभिक दौर में ही, अभी आप प्रारंभिक भी नहीं कह सकते, अभी इस पुल का निर्माण कार्य ही चल रहा था तभी वो गिर गया, ये कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। तस्वीर आपके सामने, खबर बड़ी है, तस्वीर गुरुग्राम की, खबर गुरुग्राम से, ब्रेकिंग न्यूज गुरुग्राम से। रिपोर्ट आने तक इस निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। गुरुग्राम की तस्वीरें, निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने का मामला, जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि कहीं किसी को चोटे तो नहीं आई, किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। एनएचएआई के मैनेजर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, एक कमेटी गठित की गई है हादसे की जांच के लिए। और भी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, तफसील से बताएं। देखिए अनामिका, बीते रविवार को जो फ्लाईओवर का जो स्लैब गिरा था, उस मामले के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 4 सीनियर इंजीनियर्स के साथ एनएचएआई के जो अधिकारी हैं पूरी घटनाक्रम की जो है वो जांच करेंगे, और जो इसके जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और मैनेजर थे उनको ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है अनामिका, और साथ ही जो वहां का मलबा था उसको भी जांच के लिए भेजा गया है, ताकि जो भी किसी की भी नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही का जो मामला है वो पूरी तरह से सामने आ चुके, और जो घटनास्थल पर जो भी तथ्य हैं उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए भी सीसीटीवी की निगरानी के लिए वहां पर सीसीटीवी की निगरानी की जाएगी। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो बड़ी खबर, एनएचएआई के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें जहां निर्माणाधीन पुल गिर गया, और इस पुल के गिरने के बाद एनएचएआई ने एक कमेटी का गठन किया है ताकि हादसा कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, इसकी जांच की जा सके। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, एनएचएआई के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है।